पिछले 60 वर्षों से सिरसा के हास्य कवि हरी सिंह दिलबर लाल किले से अपनी कविताएं पढ़ते आ रहे हैं। भले ही आयु 85 की हो चुकी है, पर दिलबर अपने चौके छक्कों से महफिल को जमाने की कला को नहीं भुला पाए हैं। इस बार भी दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर आयोजित होने वाले पंजाबी कवि दरबार की कड़ी में 19 जनवरी को दिलबर अपने चौके छक्कों की बौछार करेंगे। हरी सिंह दिलबर फिलहाल कैंसर पीड़ित हैं, बावजूद उनका जज्बा इतना है कि वो अपनी कला का हुनर आज भी बिखेरते हैं। कदर करी और मुझे उन्होंने कहा कि 5,000 रुपया आपको पेंशन बांधता हूँ। आज तक मैं वो दरखास्त लेकर घूमता फिरता रहा, मुझे साइन नहीं करवाए गए। 85 साल के पंजाबी के प्रख्यात हास्य कवि हरि सिंह दिलबर ने अपनी कविताओं से लाखों बार चार चांद लगाए हैं और लोगों को हंसाया है और खुद पूरा जीवन तंगहाली में गुजार दिया, पर कभी भी जमीर से समझौता नहीं किया। चौके छक्कों के कवि हरि सिंह दिलबर का जन्म 1929 में पाकिस्तान स्थित लायलपुर में हुआ था। पिता एक धागा मिल में कैंटीन चलाते थे। वह भी अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगे और हलवाई बन गए। उस्ताद चिरागदीन दामन से कुछ सीखा और उनके बुलावे पर ही लाहौर के बागवान में हुए कवि सम्मेलन में पहली बार 1942 में कविता पाठ किया। विभाजन का दर्द भी झेला और जब हिंदुस्तान के दो हिस्से हुए थे तो वह सिरसा चले आए। कवि हरि सिंह दिलबर अब तक 117 बार लाल किले पर काव्य पाठ कर चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर हुए 3 कवि सम्मेलनों में भी उन्होंने शिरकत की। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिनों की बातों पर भी दिलबर ने एक व्यंग बनाया जिसको आजकल खूब सराहा जा रहा है। अच्छा आदमी है, उसको गीत में लिखा, अच्छे दिन आएंगे, अच्छा बोल बोल के बात बहुत बड़ी पा गए, इशारियां दे नाल अच्छे दिन आएंगे, अच्छा बोल बोल के बात बहुत बड़ी पा गए, इशारियां दे नाल और अच्छे आएंगे, यह दस दस के कई साल कट जाएंगे नजारियां दे नाल। दिलबर अपने हास्य व्यंगों में एक देशभक्ति की कविता सुनाते हुए कहते हैं कि आजादी ते आई है पर आउंदी चढ़ गई कारा अंदर, आजादी तो आई है पर आउंदी चढ़ गई कारा अंदर, इनकलाब खड़ा है अज भी राशन दिया कतारा अंदर, वोटां लैण लई नेता इदा, वोटां लैण लई नेता इदा आउंदे ने दरबारा अंदर, टिकट लैण लई नेता इदा आउंदे ने दरबारा अंदर, जिदा खुसरा पग बन के बह जावे सरदारा अंदर। दिलबर काफी समय से कैंसर से पीड़ित हैं। उनके सिर में कैंसर की शिकायत है। पिछले दिनों दिलबर थोड़ा ज्यादा बीमार हो गए थे, लेकिन बीमारी के दौर में भी दिलबर अपनी इस कला को नहीं भूले और अपनी इस बीमारी पर एक पंजाबी व्यंग लिख दिया जिसमें उन्होंने अपने आप के लिए मौत तक मांग ली। ना कुछ खान दिल करदा, ना कुछ बतलान दिल करदा, शुगर हो गई खान नहीं दिंदे जो कुछ खान नू दिल करदा, शुगर हो गई खान नहीं दिंदे जो कुछ खान नू दिल करदा, सिर विच सी कैंसर दा फोड़ा, सिर विच सी कैंसर दा फोड़ा, सी लुक जान नू दिल करदा, सिर विच सी कैंसर दा फोड़ा, सी लुक जान नू दिल करदा, कार चो निकल के गड्डी थले हैसी आन नू दिल करदा, पर हर की पौड़ी ते जा जा के, हर की पौड़ी ते जा जा के, गंगा विच टुबियां ला ला के, इन्ना ठीक हो गया दिलबर, हुण विआह करान नू दिल करदा। दिलबर की हास्य कविताओं का हिंदी व उर्दू में अनुवाद कर देश भर में विभिन्न कवियों द्वारा पढ़ी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इंटरनेट से उनके चौके छक्कों को अन्य हास्य कलाकार चुरा लेते हैं जो अपनी भाषा में प्रस्तुति देकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। दिलबर कहते हैं उन्हें आश्वासन दिया गया थी कि सरकार ने उन्हें 5,000 रुपए पेंशन दिलवाएंगे जो आज तक उन्हें नहीं मिली है। वो कहते हैं कि अगर सरकार उनकी मदद करे तो वो उनकी इच्छा, लेकिन वो कोई मांग सरकार से नहीं करते।
अब ये फंक्शन हुआ यहाँ, ये बैसाखी वाला 2 साल पहले जो फंक्शन यहाँ करवाया था, 1.5 साल, उसमें अशोक तंवर जी भी आए थे और मैं कविता बोली तो मुझे वो लोई सी उड़वाई और कदर करी और मुझे उन्होंने कहा कि आपको 5,000 रुपया दे दो, मैं 5 लाख भी सकता हूँ, जब ये काम चालू हो रहा था, तो मैं 5,000 रुपया आपको पेंशन बांधता हूँ। आज तक मैं वो दरख्वास्त लेके घूमता फिरता रहा, मुझे साइन नहीं करवाए गए। आपको किसी तरह की कोई सरकारी मदद नहीं मिल रही है? सरकारी मदद मैं मांगी भी नहीं, मिली भी नहीं। अपने चौके छक्कों के जरिए देश विदेश में रंग जमाने वाला यह कवि अब तंगहाली में है। उम्र के चलते शरीर में वो ताकत नहीं है और ऊपर से एक गंभीर बीमारी ने उन्हें घेर लिया है। ताउम्र लोगों को हंसाने वाला एक हास्य कवि के लिए अब हमारी सरकार का भी कुछ फर्ज बनता है कि उनके लिए कुछ किया जाए। सिरसा से सतनाम सिंह के साथ दीपिका गुलाटी, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।